Be a part of powerful digital news network, Navi Mumbai Network. तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। कोविड की संख्या वाढते, लोक मरता है, तुम्हारा उद्घाटन सुधा तुम्हारा। हम आज कोई उद्घाटन है, हम देखने के लिए आए हैं और इमीडिएटली काम शुरू करो, इतना ही बोले। 10 जून को वाशी स्थित सिडको प्रदर्शनी केंद्र में सुविधा रहित डेडिकेटेड कोविड अस्पताल के उद्घाटन की तैयारियां देख एरोली के विधायक गणेश नाइक द्वारा नवी मुंबई मनपा आयुक्त अण्णा साहेब मिसाल पर आग बबूला होने के अगले ही दिन अर्थात 11 मई को वाशी सिडको प्रदर्शनी केंद्र में मनपा द्वारा बनाए जा रहे इसी कोविड अस्पताल का लोकार्पण या यूं कहे दौरा करने खुद आरोग्य मंत्री राजेश टोपे और थाने जिला के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे पहुंचे। गणेश नाइक के उग्र तेवर के बाद स्थल से स्टेज और कुर्सियां तो नजारा थी, मगर दिग्गज नेताओं जैसे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे, थाने जिला के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे, सांसद राजन विचारे, बेलापुर भाजपा विधायक मंदा महात्रे और राष्ट्रवादी कांग्रेस व शिवसेना के नेताओं की मौजूदगी जरूर देखने को मिली। वहीं ये स्थल पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया और मनपा आयुक्त अण्णा साहेब मिसाल से लेकर पुलिस आयुक्त संजय कुमार और तमाम मनपा अधिकारी भी यहां मौजूद नजर आए। बता दें कि पूर्व नियोजित उद्घाटन कार्यक्रम के पूर्व जिस प्रकार से गणेश नाइक ने अपना कड़ा विरोध जताया था, उसके बाद इस पूर्व नियोजित लोकार्पण कार्यक्रम को बेहद गुप्त रखा गया और उद्घाटन के बाद कोई विवाद न उत्पन्न हो जाए, इसलिए उद्घाटन कार्यक्रम को दौरे में तब्दील करने की चर्चाएं गर्म होने लगी। हम आज कोई उद्घाटन है, हम देखने के लिए आए हैं और इमीडिएटली काम शुरू करो, इतना ही बोले। कोविड अस्पताल में वेंटिलेटर न होने का मुद्दा उठाते हुए गणेश नाइक ने प्रशासन को घेरते हुए उनकी कार्यप्रणाली पर ही सवाल उठाया था। गणेश नाइक ने कल आयुक्त से ये भी सवाल किया था कि इस अस्पताल में आया मरीज अगर सीरियस हुआ तो उसकी क्या व्यवस्था होगी। इस प्रश्न पर प्रशासन ने तो चुप्पी साध दी, मगर आज इसका जवाब खुद पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने देते हुए गणेश नाइक की बात पर मोहर लगाते हुए कहा कि सीरियस मरीजों के इलाज के लिए व्यवस्था अभी तैयार की जा रही है। वेंटिलेटर की एक ही सोय नहीं, मग तुम्ही वाशीचं हॉस्पिटल तुम्ही जर जनरल हॉस्पिटल मधून रूपांतर करणार असाल तर कोविड मध्ये सीरियस असलेल्या पेशंटला तुम्ही नेणार कुठे? माझं म्हणणं आहे का काय उद्घाटनासाठी थांबले काय? ऍडमिट झाल्यानंतर जे पेशंट क्रिटिकल होतील त्यांच्यासाठी देखील आयसीयू बेडची देखील व्यवस्था या ठिकाणी होईल, त्याचं देखील काम युद्ध पातळीवर सुरू होऊन जाईल। गणेश नाइक का विरोध और सादगी से हुए उद्घाटन ने इस बात को साबित जरूर किया है कि नवी मुंबई करों के हित में उठाए गए गणेश नाइक के मुद्दे के कारण सरकार और महानगर पालिका प्रशासन को कोविड अस्पताल का लोकार्पण सादगी से करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।